सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं करंट आईपीओ के सब्सक्रिप्शन अपडेट्स के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी बाजार के आईपीओ की। देखिए इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन तक क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ 2.08 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, वहीं एनआईए कैटेगरी में इसमें 0.23 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। देखिए हमेशा ही आपको बोलता हूं कि इन दोनों ही कैटेगरीज में जो मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन होता है वो लास्ट यानी तीसरे दिन ही देखने को मिलता है, तो कल के दिन यहां पर और भी ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। वहीं रिटेल कैटेगरी में बात करें तो 2.04 टाइम यहां पर सब्सक्राइब हुआ है, वहीं टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1.59 टाइम्स यहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहां पर रिटेल कैटेगरी में भी थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लोगों का दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से ये आईपीओ ओपन हुआ है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम लगातार नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण यहां पर लोगों को कम प्रीमियम लग रहा है और लोग यहां पर सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि कम लिस्टिंग गेन या लंबी अवधि के लिए ही इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। वहीं नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो वो है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ, और इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का भी आज दूसरा दिन था, दूसरे दिन तक क्यूआईबी कैटेगरी में बात करें तो 0.82 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, वहीं एनआईए कैटेगरी में इसमें 16.99 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अब देखिए दूसरा ही दिन था, तीसरे दिन यहां पर और भी ज्यादा यानी 100 गुना से भी ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। वहीं रिटेल कैटेगरी में बात करें तो अच्छा खासा रिस्पांस है, 38.49 टाइम्स यहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, यानी कि यहां पर भी कल 50 गुना से भी ज्यादा सब्सक्रिप्शन क्रॉस कर सकता है, तो ये देखने वाली बात होगी। वहीं टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 23.12 टाइम्स यहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, और यहां पर मैं आपको बता दूं 100 गुना से भी ज्यादा सब्सक्रिप्शन क्रॉस करने की पूरी पूरी क्षमता है इसमें, तो यहां पर कल के दिन और भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। और यहां पर शॉर्ट टर्म यानी कि अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर दोनों बेसिस पर आपको अप्लाई करना चाहिए। प्रीमियम की बात करें तो अभी 200 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी एक इक्विटी शेयर पर आपको 200 रुपए प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो वो है एसजेएस एंटरप्राइजेस लिमिटेड का आईपीओ। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का भी आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन तक क्यूआईबी कैटेगरी में बात करें तो 0 टाइम्स यानी कोई भी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है। वहीं एनआईए कैटेगरी में बात करें तो 0.06 टाइम यहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अब देखिए यहां पर इस आईपीओ में आपको ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखिए दूसरा दिन निकल गया है और कोई भी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है, तो कल के दिन आप ये एक्सपेक्ट करिए कि यहां पर बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। वहीं रिटेल कैटेगरी में बात करें तो 1 टाइम ही सब्सक्रिप्शन हुआ है, वहीं टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 0.51 टाइम्स के आसपास ही यहां पर सब्सक्रिप्शन हुआ है, यानी कि 2 दिन में केवल आधा ही आईपीओ भरा है। तो यहां पर कल ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहां पर बहुत ही कम आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, और वो इसलिए क्योंकि यहां पर लिस्टिंग इन आपको कम मिलने की या बिल्कुल भी मिलने की आसार नहीं है, यहां पर केवल आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो देखिए वही निवेशक यहां पर अप्लाई कर रहे हैं जो इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, तो इसलिए यहां पर थोड़ा सा कम सब्सक्रिप्शन है। वहीं नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो वो है फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का आईपीओ, और इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का आज तीसरा और आखिरी दिन था। तीसरे दिन तक क्यूआईबी कैटेगरी में बात करें तो 1.65 टाइम्स इसमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, वहीं एनआईए कैटेगरी में बात करें तो 0.21 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल कैटेगरी में बात करें तो 5.92 टाइम्स यहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, यानी कि यहां पर ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन है और हर छठवें व्यक्ति को ये आईपीओ होने की संभावना है। एम्प्लॉय कैटेगरी में बात करें तो 0.93 टाइम्स यहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, देखिए एम्प्लॉय कैटेगरी में ये पूरा भी नहीं भरा है। टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 2.03 टाइम्स यहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। देखिए इस आईपीओ में भी कुछ ऐसा ही है कि आपको यहां पर कम लिस्टिंग है, हो सकता है नेगेटिव प्राइस पर भी लिस्टिंग देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो स्टार्टअप है, ये जो कंपनी है, काफी बढ़िया रिटर्न आपको कमाकर देने की क्षमता रखती है, तो केवल आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही अप्लाई करने की सलाह दी गई थी, इसलिए यहां पर भी आपको काफी कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अब देखिए यहां पर मैं
आईपीओ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देता हूं, और आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप कौन कौन से आईपीओज में अप्लाई कर रहे हैं और आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और देखिए यहां पर मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।